हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। अगर आपकी राशि कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि है तो चलिए देख लेते हैं 15 से 21 के बीच में जून मंथ में यानी जून 2022 में आपका लव लाइफ कैसा रहने वाला है। गाइज, ये जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, तो आप सभी से देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंजल मैसेज हम साइड कर देते हैं, बाद में देखेंगे। पहले ये मेन मैसेज ले लेते हैं। इसे कार्ड में ले लूंगी, जस्टिस। द वर्ल्ड टेम्परेंस, यहाँ पर टेम्परेंस आया है, द वर्ल्ड आया है और जस्टिस आया है। गाइस, यहाँ पर बहुत से लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को बैलेंस की ज़रूरत है। आपका जो हार्ट चक्र है वो बैलेंस्ड नहीं है। यहाँ पर लव लाइफ में एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, सक्सेस चाहते हो, पर वो मिल नहीं रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा ही लग रहा है। तो वो लोग बहुत ही ज़्यादा प्रे कर रहे हैं भगवान से, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। और बहुत से लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पार्टनर कभी कभी अच्छा बिहेव करते हैं, कभी कभी बुरा बिहेव करते हैं, कभी कभी आपको इग्नोर भी करते हैं। तो आप समझ में नहीं पा रहे हो कि क्या किया जाए। इसको लेकर आप बहुत ही ज़्यादा टेंस्ड हो। एक बार सोचते हो कि ब्रेकअप कर दूँ और दूसरी बार ही सोचते हो नहीं नहीं ब्रेकअप नहीं करना चाहिए, यही पर्सन मुझे चाहिए। गाइज, आप दोनों की रिलेशनशिप बैलेंस्ड नहीं दिख रही है मुझे। मुझे यहाँ से ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर पे फोकस्ड हो। गाइस, अगर ऐसा है तो आप खुद पर थोड़ा सा फोकस्ड हो जाओ। आप खुद को थोड़ा सा बैलेंस्ड कर लो। आपके जो रिलेशनशिप है वो अपने आप बैलेंस्ड हो जाएगा। तो 15 से 21 के बीच में मुझे लग रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में बैलेंस आने वाला है। आप दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ पाओगे, ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। तो आपने जो प्रे किया है, आपने जो मैनिफेस्टेशन किया है, तो उसका फल आपको 15 से 21 के बीच में मिलता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। और बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर एक न्यू ऑफ़र आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है, लव का ऑफ़र। और बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप जब बैलेंस्ड हो जाओगे आपके पार्टनर के साथ, तब आप शादी भी कर सकते हो आपके पार्टनर से। अगर आप शादीशुदा हो तो भी आपका जो रिलेशनशिप है उसमें बैलेंस्ड आता हुआ दिख रहा है मुझे। आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, एक न्यू स्टार्ट आप दोनों करोगे आपके लव लाइफ में। तो मुझे यहाँ से ऐसा ही दिख रहा है कि 15 से 21 के बीच में जून मंथ में आप में बहुत ही ज़्यादा बैलेंस आने वाला है। और आप अपने पर्सन को अपनी तरफ खींच पाओगे, आप बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो पाओगे। आपका जो सोल है वो बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाएगा, पॉजिटिव एनर्जी से भर जाएगा और आप अपने पर्सन को आपकी तरफ अट्रैक्ट कर पाओगे। कहीं ना कहीं 15 से 21 के बीच में आप लोगों को लव लाइफ में सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है मुझे। तो ये तो एकदम पक्की वाली बात है, आपको 15 से 21 के बीच में लव लाइफ में सक्सेस तो ज़रूर से ज़रूर मिलने वाला है। उससे पहले आपको सिर्फ खुद को बैलेंस्ड करना है। अब आप खुद को कैसे बैलेंस्ड कर पाओगे, तो ये तो आपको मेडिटेशन के माध्यम से ही करना होगा। आपका हार्ट चक्र यहाँ पर ब्लॉक लग रहा है मुझे और थ्रोट चक्र भी। तो आप सुबह उठकर मेडिटेशन कीजिए, को बहुत ही ज़्यादा पीस हार्मनी महसूस करवाइए। तो आप देखोगे कि 15 से 21 के बीच में आप दोनों की जो लव लाइफ है, जो रिलेशनशिप है, उनमें हार्मनी पीस आपको देखने को मिलेगी। तो बहुत से लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप और आपके पार्टनर ट्वाइन फ्लेम हो, यहाँ से मुझे लग रहा है। तो अगर आप बैलेंस्ड हो जाओगे तो आपका पार्टनर जो है वो अपने आप ही खुद से ही बैलेंस्ड हो जाएगा और फिर आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो बैलेंस्ड हो जाएगा, ठीक है। और बहुत कम लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि सोलमेट और कार्मिक पार्टनर यहाँ पर मुझे लग ही नहीं रहा है। तो अगर आप एंजल से कुछ पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हो, हाँ या ना में जवाब आ सकता है और आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो भी सही होगा एंजल वो दे देंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं।
यहाँ पर अपॉर्चुनिटी आया है। तो गाइस ऐसा ही है, मैंने जो बताया वैसे ही आया है। अब भी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रहा है, आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है। ये अपॉर्चुनिटी कुछ भी हो सकता है, आपको अपना लव लाइफ ठीक करने का अपॉर्चुनिटी हो सकता है। एक चांस दिया जा रहा है आपको आपका लव लाइफ ठीक करने के लिए। एक न्यू स्टार्ट की अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। तो जो लोग अभी तक सिंगल हैं तो उनके लिए एक बहुत अच्छा लव प्रपोजल आपकी तरफ आने वाला है, ऐसा अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है। आप थोड़ा सा धैर्य रखो। तो यही कह रहे एंजल कि आप थोड़ा सा धैर्य रखो बस, ठीक है? बाय।